क्लॉथ्स, शूज एंड बैग्स पेश करते हैं कंप्लीट कलेक्शन। सैंडल्स, शूज, हैंडबैग्स, ट्रैवल बैग्स भी। फैंसी डिजाइन, हाई हील्स, कैजुअल, ऑफिस वेयर, डेली वेयर। क्लॉथ्स, शूज एंड बैग्स सेल्फ मैन्युफैक्चर है अफोर्डेबल प्राइस के साथ अप टू 50% डिस्काउंट। तो आज ही आए क्लॉथ्स, शूज एंड बैग्स। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। मुमरा बाईपास पर हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभी 2 से 3 दिन पहले ही मुमरा बाईपास का जो ब्रिज है वहां पर एक कंटेनर पलटी हो गया था, क्योंकि मुमरा बाईपास की हालत जो है वो काफी दयनीय हो गई है और इसीलिए जो है हादसे यहाँ पर काफी ज्यादा हो रहे हैं। आज भी एक हादसा यहाँ पर हुआ है मुमरा बाईपास लाल किला के नजदीक, जो ढाबा है लाल किला उसके नजदीक बिल्कुल हुआ है, और एक जो ट्रक यहाँ पर पलट गया है। और दरअसल ये ट्रक पलटने की वजह जो बताई जा रही है ये ब्रेकर बताया जा रहा है, क्योंकि ये ब्रेकर की हालत आप देख लें कि किस तरह से ये मुमरा बाईपास का ब्रेकर है। हालांकि ये मुमरा बाईपास है और इतना बड़ा ब्रेकर, लेकिन इसकी हालत इतनी दयनीय हो चुकी है कि ये हादसों को जो है न्योता दे रहा है। और इस मुमरा बाईपास में जो ये ब्रेकर बना हुआ है इस पर जब गाड़ियाँ जाती हैं, जिस तरह से ये पहिया जा रहा है इस पर पहिया पड़ने की वजह से, टायर चलने की वजह से ये गाड़ी का संतुलन जो है बिगड़ जाता है। इसी तरह से इस ट्रक का भी संतुलन बिगड़ा और वो ट्रक जो है इस डिवाइडर से टकराते हुए सीधा वहां जाकर पलटी हो गया है। और कुछ चश्मदीद जो है इस मौके पर यहां मौजूद थे, हम उन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद नदीम है। और ये ब्रेकर के वजह से गाड़ी गिरी है, गाड़ी वहाँ से स्पीड में आती है, ड्राइवर को ब्रेकर दिखता नहीं है। या तो ये ब्रेकर को बनाए या तो ये ब्रेकर को हटा दिया जाए। हाँ, और ये ब्रेकर बोर्ड भी लगा हुआ था, वो बोर्ड भी गिर चुका है गाड़ी उसके ऊपर। लोहे का जो बोर्ड उधर सब लगा हुआ, वही बोर्ड लगा हुआ था, वो गाड़ी की वजह से गिरा है। उनको दिखाई नहीं देता है, उस पर कुछ सिग्नल वगैरह नहीं है। जो ट्रक पलटी हुआ है इसी ब्रेकर के वजह से, इस ब्रेकर के वजह से हुआ है। ट्रक वहां से स्पीड में आया है और ट्रक वाले को ब्रेकर दिखा नहीं है, और ब्रेकर उछाल के उसका दूसरा टायर डिवाइडर के ऊपर गया और वो पलटी हो चुका है। ब्रेकर दिखा नहीं, हालत भी इसकी काफी खराब है, इस पे गाड़ी लहर मारती है। ब्रेकर के वजह से हादसे होते हैं। यहाँ पे एक हादसा नहीं हुआ है, और भी जितने हादसे हुए ये ब्रेकर के वजह से हुए। तो आपने सुना कि इस तरह से जो है यहाँ पर ये कोई पहला मरतबा नहीं है इस ब्रेकर की वजह से हादसा हुआ है। और जो यहाँ चश्मदीद है इनका कहना है कि जब ये हादसा हुआ तब ये यहाँ पर मौजूद थे। अच्छा, ड्राइवर जो इसमें मौजूद था, क्या उस ड्राइवर को भी चोट लगी है? चोट उसको ज्यादा नहीं लगी है, किन्नर को थोड़ा लगा, ड्राइवर को लगा है। तो हम लोग ने हमारे हिसाब से उसको रिक्शा में बिठाया और उसको भेज दिया हॉस्पिटल। अब वो कौन से हॉस्पिटल गया वो हमको नहीं सुना। कि जिस तरह चालक और जो उसके साथ में किन्नर था उसको भी हल्की चोटें लगी हैं ऐसा बताया जा रहा है। जो चश्मदीद है वो बता रहे हैं कि उसे चोट लगी है। बहरहाल उसे हॉस्पिटल जो है यहाँ के स्थानीय लोग जो है वो लेकर गए हुए हैं। लेकिन जिस तरह से मुमरा बाईपास की जो दयनीय हालत है और लगातार मुमरा बाईपास पर जो हादसे हो रहे हैं और इस हादसों की वजह से अब तक कई लोगों की जान भी जा चुकी है। कैमरामैन समीर के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुमरा।